ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। कोरोना संकट के बीच स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है, ऐसे में किराएदारों की जांच करना और करवाना भी एक बड़ी चुनौती है। विरोही सेक्टर 11 में प्रॉपर्टी डीलर और पुलिस की मिलीभगत ने इसे एक धंधा बना लिया है। इस तरह की खबर जब DCP आउटर नॉर्थ को मिल लगी तो उन्होंने तुरंत केवल जांच नहीं की बल्कि किराएदार और सर्वेंट वेरिफिकेशन कैंप भी लगा दिया। लेकिन इसकी जानकारी ना होने के कारण कम ही लोग वेरिफिकेशन करवाने पहुंचे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस कहती है कि जनता उनकी आंख और कान बने, किराएदारों की वेरिफिकेशन कराई जाए, कहीं कोई अपराधी या फिर आतंकवादी तो शरण लिए हुए नहीं है। यदि ऐसा होता है तो मकान मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हकीकत ये है कि रोहिणी में टेनेंट वेरिफिकेशन को प्रॉपर्टी डीलरों और स्थानीय पुलिस ने अपनी अपनी अवैध कमाई का जरिया बना लिया है। अपनी जिम्मेदारी और कार्यवाही का डर ये दोनों होने के बावजूद भी बहुत कम लोग ही टेनेंट वेरिफिकेशन करवाने में रुचि रखते हैं। बिना सुविधा शुल्क दिए किराएदार की जांच बेहद मुश्किल है, लोगों को थाने के कई कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस तरह के आंकड़े और शिकायत जब नॉर्थ आउटर DCP गौरव शर्मा को लगी तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। न केवल इस नेक्सस पर नजर रख रहे हैं बल्कि थाना पुलिस को आदेश दिया है कि वो इलाके में जाकर टेनेंट वेरिफिकेशन कैंप लगाए। सेक्टर 11 में लगाए गए ये कैंप भी DCP साहब के आदेशों का ही नतीजा है। इस कैंप से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं और DCP गौरव शर्मा को धन्यवाद भी दे रहे हैं। वेरिफिकेशन कराने के लिए ना, अच्छा, मकान किराए पे चढ़ाते हैं तो पुलिस को बार बार थाने जाना पड़ता था, हमारे को वहाँ जाके देना पड़ता था। हाँ। तो ये वेरिफिकेशन कर दो, लेकिन पुलिस वालों ने DCP साहब ने ये कैंप यही रोनी सेक्टर 11 में लगा दिया है। धन्यवाद करते हैं, जिससे लोगों को बड़ी सुविधा हो रही है, ज्यादा परेशानी नहीं हो रही, उनको आराम से शांतिपूर्वक तरीके से कार्य हो रहा है। लेकिन थाना पुलिस तो थाना पुलिस ही है। DCP साहब के आदेश तो ठीक हैं, लेकिन वो यहाँ भी बाज नहीं आई। इस कैंप की जानकारी लोगों तक नहीं पहुँचाई गई, जिसकी वजह से बहुत कम लोग ही टेनेंट वेरिफिकेशन करवाने पहुँचे। फिर भी लोग अपने फॉर्म पुलिस के पास जमा करवा रहे हैं, लिहाजा इस कैंप को 2 दिन के लिए लगवाया जा रहा है। ये कैंप जो है वीकली 2 दिन तक होगा, इससे फायदा होगा लोगों को। जो टेनेंट वेरिफिकेशन है वो थाने में जाके कराना पड़ता था पहले, वो अभी इस सेक्टर 11 में प्रॉपर्टी यहीं आयोजित किया जा रहा है। इससे क्या लोगों को फायदा होगा और टेनेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो सकेगा। टेनेंट और सर्वेंट वेरिफिकेशन करवाना नागरिक का कर्तव्य और जिम्मेदारी दोनों है। किसी भी तरह की वारदात घटना होने पर फॉर्म में दी गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये जांच प्रक्रिया की जान भी होती है। लेकिन हैरत है कि इन सब के बावजूद भी यदि लोग आगे नहीं आ रहे हैं तो इसकी वजह ये भी है कि थाने में वेरिफिकेशन फॉर्म जमा करवाना भी किसी जंग से कम नहीं है। लेकिन यदि इस तरह के कैंप समय समय पर हर इलाके में लगते रहे तो प्रॉपर्टी डीलरों और स्थानीय थाना पुलिस पर ऐसे आरोप भी लगने बंद हो जाएंगे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए मुकेश राणा की रिपोर्ट। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।